अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो हमारे पास है देखिए ये ई रिक्शा का मैग्नेट। तो इसको हम किस तरह से ओपन करते हैं वो इस वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो ये मैग्नेट और शाफ्ट को निकालने के लिए हम देखिए इस तरह का जो हाइड्रोलिक जक आता है उसको यूज़ करते हैं। ये देखिए 5 टन वाला बोले तो 5000 किलो का ये जक है। और इसके साथ ही जब नया खरीदते हैं तो उस टाइम देखिए इसका जो वाशर रहता है वो एक इसके साथ फ्री में मिलता है। और ये है 3 टन वाला। तो ये दोनों जग ही हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे आपको। तो इसके साथ भी देखिए 2 डंडा दिया गया है और इसके साथ भी वाशर देखिए यहाँ पे दिया गया है ताकि अगर कभी वाशर इसका कट जाता है तो आप इसको लगा के फिर काम कर सकते हो। तो इस मैग्नेट को हम इस जो जग है 3 टन वाला, 5 टन वाला भी है हमारे पास और 3 टन वाला भी है। तो 3 टन वाले से ही हम खोल के दिखाएंगे। 5 टन वाला बोले तो वो 5000 किलो तक उठा पाता है और 3 टन वाला जो है वो 3000 किलो तक उठाता है। तो हम ये 3 टन वाले को ही पहले यूज़ करके देखेंगे कि ये कितना अच्छे से निकाल पाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमको 2 पाइप दिया उसमें थोड़ा लॉक टाइप का किया हुआ है इसको टाइट करने के लिए, क्योंकि हम जब इसको लॉक को टाइट कर देते हैं उस टाइम ही ये जग ऊपर उठता है, नहीं तो नहीं उठेगा ऊपर। और हमारे पास यहाँ पे देखिए ये मैग्नेट है। ये पुलार आपको थोड़ा बड़ा टाइप का दिखेगा क्योंकि हम इसको बहुत सारे काम के लिए यूज़ करते हैं और इसको इसीलिए हम बनाए। और ये जग भी देखिए इसका अंदर नट भी है ताकि आप इसको बड़ा छोटा कर सको। कभी अगर आपको छोटा करना है तो इस नट को नीचे डाल सकते हो और अगर कभी आपको थोड़ा ऊँचा करना है तो इस नट को आहिस्ता आहिस्ता ढीला करोगे तो वो ऊपर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से आ गया। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नेट और शाफ्ट को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा टाइट कर लिए। अब इसको सिर्फ देखिए इस तरह से प्रेस करना है। इस तरह से हम प्रेस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता देखिए वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो शाफ्ट है वो। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख के पता चलेगा। देखिए आराम से थोड़ा देख लीजिए, शाफ्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए जब भी हम प्रेस कर रहे हैं तो शाफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो ऊपर का ढक्कन था वो खोल गया, इसके वजह से लूज हो गया थोड़ा। अब इसका जो मैग्नेट है वो भी निकल रहा है देखिए। तो ये पुलार में काम करना बहुत आसान होता है इसलिए हम इसको बना लिए। और हम इलेक्ट्रिक काम भी करते हैं जैसे कि ये पंखा वगैरह का शाफ्ट भी खोलना पड़ता है, तो इसलिए हम इस तरह का ही पुलार को बना लिए। बाकी मैग्नेट खोलने वाला पुलार एक हम पहले बनाते थे तो उसको भी हम बनाते हैं अभी भी जो सेल करने के लिए, और उसको ही हम पहले यूज़ करते थे। लेकिन हम इलेक्ट्रिक काम के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन का जो शाफ्ट वगैरह है उसको निकालने के लिए। तो देखिए कितना आराम से निकल गया ये। अब इसको डालना ही उतना ही आसान है, इसको डालना भी जिस तरह से ये निकल गया उतना ही आसानी से ये निकल बोले तो लग भी जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए सिंपल जो हमको चेंज करना है, अगर बियरिंग चेंज करना है तो बियरिंग को निकाल के दूसरा बियरिंग लगाना है। और अगर हमको शाफ्ट को चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैं देखिए सबसे पहले यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ था, बियरिंग को हम चेंज नहीं किए। तो शाफ्ट को सबसे पहले यहाँ पे लगा लेना है। तो शाफ्ट को ढक्कन के साथ लगा के इसको प्रेस करना है। तो पहले टाइट कर लेता हूँ क्योंकि मैं ढीला कर दिया था इसको हाइड्रोलिक को नीचे करने के लिए। तो अभी फिर से हमको टाइट करना है। जब भी आप उसको नीचे करोगे तो थोड़ा ढीला करना है और जब उसको टाइट करोगे उस टाइम ये ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम बियरिंग को फिटिंग कर लेते हैं शाफ्ट के साथ, उसके बाद आप मैग्नेट को भी हम दिखाएंगे इसमें लगा के। और बहुत सारे भाई लोग मुझे दिन भर कॉल करते रहते हो काम के बारे में, वो लोग को मैं बोलूँगा कि भाई ज़्यादातर आप लोग शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कॉल कीजिए ताकि मैं दिन भर काम पे बिजी रहता हूँ इसलिए हर एक का कॉल उठा नहीं पाता और उतना बात भी नहीं कर पाता हूँ। आपको बात करना है तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कीजिए। और अगर किसी को सामान लेना है तो तकरीबन वो दिन में हर टाइम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बात मैं नहीं कर पाता हूँ। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर कीजिएगा जिसको सामान लेना है, मेरे वीडियो में नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकती हो। एक बार मुँह पे बता देता हूँ, मेरा नंबर है 9702512458, 9702512458। तो देखिए शाफ्ट को मैं बियरिंग के साथ लगा लिया, अब देखिए मैग्नेट को मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैग्नेट भी कितना आसानी से देखिए अंदर चला जाएगा इसका। तो आप भी चाहे तो इस तरह का एक पुलार बना के यूज़ कर सकते हो। और आपके उधर अगर इस तरह का जग नहीं मिलता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मैं इसको भेज सकता हूँ। और इसके साथ साथ
आपको ई रिक्शा कंट्रोलर टेस्टर डिवाइस ड्रम पुलर एक्सेल पुलर बेयरिंग पुलर मैग्नेट पुलर हर चीज़ हमारे पास मिलेगा जो काम करना आसान होता है। जो भी पुलर आपको काम करना आसान बनाता है वो पुलर हमारे पास मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आसानी से ये भी चला गया। ये पुलर आप चाहे तो इस तरह का फुल फिटिंग भी मिल जाएगा आपको, और अगर चाहे तो सिर्फ जक लेके आप खुद बना सकते हो स्ट्रक्चर। अगर पूरा फिटिंग लोगे तो डिलीवरी चार्ज आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बाकी अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना लोगे तो हम आपको किस तरह से बनाना है वो बता देंगे, आप बना सकते हो सिर्फ हाइड्रोलिक जक लेके। ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मैं इसको भेज सकता हूँ। देखिए यहाँ पे बेयरिंग को हम फिटिंग कर लिए और मैग्नेट को भी आराम से फिटिंग कर लिए, आप देख सकते हो। तो मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं जो 3 टन वाला 3000 किलो का जो जग है उसी से मैं इसको निकाला, ठीक है। और एक वीडियो बनाएंगे जो 5 टन वाला है उससे। और एक चीज़ हमने इस तरह से इसको क्यों बनाया एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये थोड़ा बड़ा साइज़ का आपको दिख रहा होगा, तो ये बहुत सारा काम पे आता है मेरा। एक तो बोला सीलिंग टेबल फ़ैन का भी काम आता है जो सांप निकालने को, और दूसरा मेरे पास बहुत सारा आदमी रूम के अंदर जाता है वो लोग को बैठने का भी काम आता है। देखिए इस तरह से वो लोग बैठ जाता है, तो ये टेबल का भी काम करता है, इसलिए मैं इस तरह से इसको बनाया। तो आप में से किसी को अगर ई रिक्शा कंट्रोलर टेस्टर डिवाइस ड्रम पुलर एक्सेल पुलर बेयरिंग पुलर चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। वीडियो के ऊपर दिए गए नंबर मेरा है 9702512458, ये नंबर मेरा है, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। आप अगर होलसेल में चाहते हो तो आपको होलसेल में मिलेगा, और रिटेल में चाहते हो तो एक आध पीस भी मिल जाएगा, और ऑल इंडिया का कहीं पर भी मैं इसको भेज सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।